तूने भी बेशक मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर तलब है तू, तू है नशा गुलाम तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वाले लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग लेके आ चुका हूँ, देख सकते हैं पे स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो लिरिक्स स्टेटस वाला वीडियो देखिए, इस टाइप के वीडियो भी इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज्यादा वायरल है और अभी ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर आपको भी इस टाइप का लिरिक्स स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है, मतलब एडिटिंग सीखना है, तो ये मेरे छोटा सा वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, नीचे मिलेगा प्लस आइकन, यहां पे क्लिक करना है और आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉन्ग ऐड करना है, जो भी सॉन्ग पे वीडियो क्रिएट करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, नीचे में यहाँ पे क्लिक करना है ऑडियो वाला ऑप्शन, जाना यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरे जो सॉन्ग है वीडियो के अंदर है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, उस वीडियो को ऐड कर लेना ओरिजिनल वाला, ठीक है। उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करें, ऊपर मिलेगा थ्री डॉट, क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सटेंड ऑडियो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, तो मेरा सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो को करना है डिलीट, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉन्ग को ऐड कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लेना लिरिक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सॉन्ग को स्टार्टिंग से सुन लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको कर लेना एक एक करके, ठीक है। उसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग में जाना, जाने के बाद यहाँ पे अब आपको फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए नीचे मिलेगा प्लस आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आप फोटो को ऐड कर सकते हो। तो मेरे जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो फोटो ऐड करने के बाद अब क्या करना, फोटो को आपको फुल स्क्रीन पर करना है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा ऊपर में थ्री डॉट, यहाँ पे क्लिक करना है और फिल कम्पोजिशन एरिया कर लेना है, तो फुल स्क्रीन पर हो जाएगा फोटो। उसके बाद फोटो को आपको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे मिलेगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फोटो का ड्यूरेशन वीडियो के लास्ट तक इस तरह से कर लेना है, ओके। उसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है, जाने के बाद फोटो में अब कुछ भी इफेक्ट वगैरह ऐड नहीं होगा, तो फोटो का जो ब्राइटनेस है उसको कम करना है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मिलेगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, यहाँ पे क्लिक करना है और इसका जो ओपेसिटी आपको करना है 50 या फिर 60 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा लाइटिंग, क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रीन मोड में कर लेना है, तो और भी यहाँ पे जो ब्राइटनेस है कम हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको और एक फोटो ऐड करना है, तो नीचे मिलेगा प्लस आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक शेप ऐड करना है, तो प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक शेप को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे मिलेगा एडिट शेप, यहाँ पे क्लिक करना है और साइज में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ पे एक्स वाई रहेगा, एक्स रहेगा, तो इसमें क्लिक करना है और एक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्स को करना है 560, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाई में जाना है और यहाँ पे करना है 220, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है एंड एक बार बैक आ जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो शेप है इसको एक बार आपको डुप्लीकेट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड डुप्लीकेट वाला जो शेप है इसको ऑफ रखना है। उसके बाद अब के नीचे वाला जो शेप है इसमें क्लिक करना है और इसमें कलर को आपको चेंज करना है। अब तो यहाँ पे कलर एंड फिल वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है और इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये जो एरो मिलेगा आपको, ये एरो को बीच में इस तरह से कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, एंड ये जो एरो मिलेगा ये एरो को आपको मिडिल में कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ब्लैक वाला जो कलर है इसमें क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें ब्लू टोन ऐड करना है, तो ब्लू वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे ब्लू टोन इस तरह से कर लेना है, हल्का सा ब्लू टोन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट वाला जो कलर है इसमें क्लिक करना है एंड जो व्हाइट का कलर है आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो कॉपी वाला जो शेप है इसको ऑन करना है अब, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लिक करना है, कॉपी वाला में क्लिक करना है
कॉपी वाला जो रेक्टेंगल है इसमें क्लिक करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे में मिलेगा मास्क वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके मास्क कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा। उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड फोटो को आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इस तरह से यहाँ पे सेट करना है इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, तीनों का जो ड्यूरेशन है वीडियो के लास्ट तक इस तरह से कर लेना है, ठीक है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे अब आपको लिरिक्स लिखना है। तो लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे मिलेगा प्लस वाला आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है। टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आपको सॉन्ग का जो लिरिक्स है उसको लिख लेना है। तो सॉन्ग का जो लिरिक्स है ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप में कॉपी करके रखा हूँ, मतलब लिख के रखा हूँ, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका कलर है आपको वाइट करना है एंड साइज का आपको 32 या फिर 36 कर लेना है, ठीक है। तो 32 सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिरिक्स है इसको मिडिल कर लेने कुछ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे रोबोटो रेगुलर में क्लिक करके आपको फॉन्ट को चेंज करना है। तो ये जो फॉन्ट मिलेगा देख सकते हो आप लोग, तो ये फॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज हो रहा है सबका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। फॉन्ट, फोटो, सॉन्ग, सब कुछ, XML फाइल, प्रीसेट, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से। तो ये फॉन्ट को आपको ऐड कर लेना कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर डन कर लेने, ठीक है। एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाकर ये फॉन्ट को यहाँ पर सेट करना है इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो लिरिक्स का ड्यूरेशन है वीडियो के लास्ट तक इस तरह से कर लेना है, ठीक है। एंड जो लिरिक्स है इसमें एनिमेशन ऐड करना है, तो यहाँ पे जाना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट, यहाँ पे ऐड कर लेना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, या फिर सबसे पहले टेक्स्ट स्पेसिंग, इसको ऐड कर लेना है। सेटिंग को ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 4% इस तरह से कर लेना है, 4, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाना है और एक इफेक्ट ऐड करना है यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में जाना है, रेंज वाला ऑप्शन में जाना है, स्टार्टिंग में एक प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आगे चल जाना है कुछ इस तरह से इस जगह पे। उसके बाद इसको करना है यहाँ पे 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन कर लेने। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे मिलेगा ट्रांसफॉर्म, इसमें क्लिक करना है और लेटर को करना है यहाँ पे वर्ड, ठीक है। उसके बाद और नीचे यहाँ पे मिलेगा अल्फा, अल्फा को करना है -1, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिरिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से कर लेने। उसके बाद यहाँ पे ये चारों को आपको ग्रुप बाय में कर लेने, ठीक है। फोटो से यहाँ पे ऊपर में चारों जितना है सबको सेलेक्ट कर लेने कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे ग्रुप बाय में कर लेने। तो यहाँ पे क्लिक करने, उसके बाद ग्रुप बाय हो जाएगा, देख सकते हैं ग्रुप ऑन। तो इस तरह से कर लेने, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, इसमें एनिमेशन ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना, एक बार डुप्लीकेट कर लेने, ठीक है। इस तरह से आपको डुप्लीकेट कर लेने और ये जो ग्रुप वन है इसको करना है ऊपर, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर आपको एनिमेशन को ऐड कर लेने, अब जो नीचे से ऊपर हो रहा था उसको ऐड करना है। तो ग्रुप वन को यहाँ पे सेट कर लेने। उसके बाद ग्रुप वन को जो कॉपी किया हूँ इसको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद और आपको कॉपी कर लेने जितना बीट है, देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको 6 बार आपको कॉपी कर लेने। और जो मेरा सॉन्ग का जो लिरिक्स है यहाँ पे देख सकते हो 6 बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। तो आपको 6 बार इस तरह से कॉपी कर लेना है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको 6 बार डुप्लीकेट कर लेने। उसके बाद अब क्या करना, आपको यहाँ पे देख सकते हो 2 को सेट किया हूँ। उसके बाद तीसरा को यहाँ पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पे इस जगह पे सेट करना है। अब तीसरा को ये रेड लाइन जो सेंटर है इसको सेम आपको यहाँ पे देख लेना है, रेड लाइन का सेंटर आपको मिलाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर हो चुका है। उसके बाद चौथा में जाना है और चौथा को भी आपको बीच में कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर, ओके। रेड लाइन का सेंटर आपको रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे चौथा आ चुका है। उसके बाद पांचवा को एकदम आपको नीचे कर लेना है, ठीक है, रेड लाइन का सेंटर एकदम नीचे। उसके बाद छठा को भी एकदम आपको नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एकदम नीचे कर लिया हूँ। तो इस तरह से कर लेने। उसके बाद अब क्या करना, आपको जो पहला जो यहाँ पे ग्रुप वन है इसमें क्लिक करने कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद अब क्या करना, आपको एनिमेशन ऐड करना है ऊपर से नीचे वाला एनिमेशन को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, स्टार्टिंग में एक प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है बीट में, ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है और स्टार्टिंग में फिर से आपको आ जाना है एंड ये जो ऊपर वाला जो है इसको एकदम नीचे कर लेना है कुछ इस तरह से, एकदम आपको नीचे कर लेना है।
एकदम नीचे, ठीक है, रेड लाइन के सेंटर एकदम आपको नीचे कर लेने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाने इस जगह पे, उसके बाद ये कर्व यहाँ पे ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, ये कर्व। उसके बाद यहाँ पे ये कर्व को कॉपी कर लेने, यहाँ पे कॉपी कर्व, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम आपको यहाँ पे इस बीट में चले जाना है। उसके बाद जो जो दो नंबर वाला जो कॉपी किया हूँ उसमें जाना है और यहाँ पे कट कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जाना है, उसके बाद सेम आपको करने यहाँ पे प्लस, इस जगह पे प्लस। उसके बाद बीट में जाना है, मतलब सेकंड जो बीट है यहाँ पे चले जाना है प्लस। उसके बाद स्टार्टिंग में जाना है और ये चीज़ को दो नंबर वाला को एकदम नीचे, ठीक है, इस तरह से एकदम नीचे चल लेना है रेड लाइन के सेंटर। उसके बाद इस जगह पे आने और यहाँ पे कर्व को करना है यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। ये नीचे वाला को आपको देखना नहीं है अब, ठीक है, बस दो को देखना है। देख सकते हैं यहाँ पे दो मैंने क्रिएट किया हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद सेम यहाँ पे जाना है और ये अब क्या करना है, ये तीन नंबर वाला जो है इसको आप छोटा करना है। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने, ये जो है देख सकते हैं घड़ी जैसा आइकन, यहाँ पे जाने और छोटा कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद सेम आपको यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे जाने, यहाँ पे प्लस, स्टार्टिंग में जाने, अब यहाँ पे उसके बाद ये चीज को एकदम नीचे कर लेने, यहाँ पे एकदम नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे कर्व ऐड कर लेने, देख सकते हो सेम आपको इस तरह से कर लेने, ठीक है। ओके, उसके बाद अब क्या करें, यहाँ पे सेम चीज ये सबको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो वगैरह आपको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिरिक्स जो है अलग अलग आपको लिरिक्स को लिख लेना है। तो चलिए सबसे पहले ये चीज को कर लेता हूँ एकदम। देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन किया हूँ, उसके बाद चौथा वाला ये वाला है चौथा, ठीक है। तो इसको भी कर लेता हूँ और एक बार यहाँ पे छोटा कुछ इस तरह से। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर प्लस यहाँ पे, उसके बाद बीट में जाना है, सेकंड जो बीट है उसमें जाना है, प्लस करना है कुछ इस तरह से, स्टार्टिंग में फिर से आना है और ये चीज़ को एकदम नीचे, ओके। एंड यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कर्व ऐड करना है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा हो गया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है सब कुछ, देख सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ ये चीज को देखो, बाद में हम फोटो वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे पूरा वीडियो को अब आपको मूव करने ऊपर, ठीक है, मतलब एनिमेशन ऐड करने है उसमें। तो वो चीज करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ पे नल का यूज करेंगे हम, तो प्लस करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नल वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नल का जो ड्यूरेशन है वीडियो के लास्ट तक इस तरह से कर लेने, ठीक है। एंड जितना भी ग्रुप है सब ग्रुप को यहाँ पे नल के ऊपर आपको मर्ज कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जाना है सेकंड वाला में, मर्ज कर लेने यहाँ पे थर्ड नंबर में मर्ज कर लेने, इसमें सेम आपको ये चीज को मर्ज करना है, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से कर लेने, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो नल है इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ नल, उसका मूव एंड ट्रांसफर में जाकर देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है, मर्ज करने के बाद नल के अंदर। तो इस तरह से कर लेने, उसके बाद अब क्या करना है यहाँ पे, तो दो लिरिक्स यहाँ पे बचा हुआ है तो दोनों को आपको अब सेट करना है। तो यहाँ पे जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद अब क्या करना है, इसको करना है यहाँ पे छोटा कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटा करने के बाद यहाँ पे नल के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बीट में आ जाना है कुछ इस तरह से, एंड आपको इसको करना है यहाँ पे ऊपर इस तरह से, ठीक है, ऊपर कर लेने। तो पहला जो लिरिक्स है मेरे यहाँ पे कवर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जा चुका है, देख सकते हो पहला लिरिक्स। तो उसके बाद नीचे वाला लिरिक्स देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड ये नीचे वाला जो लिरिक्स है उसको यहाँ पे ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, और ऊपर वाला लिरिक्स को आपको नीचे कर लेने और नीचे, ठीक है, यहाँ पे कर लेने, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जाना है। उसके बाद सेम ग्रुप मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड लास्ट पे जाना है कुछ इस तरह से, एंड इसको करना है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, इस तरह से ऊपर कर लेने।
तो जो ऊपर वाला जो लिरिक्स है देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब उठ चुका है ऊपर, और नीचे वाला लिरिक्स देख सकते हैं उस जगह पे आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पे जाने इसको करने यहाँ पे सेट, ठीक है, प्रॉपर एकदम सेट कर लेने। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, यहाँ पे जाने एंड नल में भी आपको अब क्या बोलते हैं इसको कर्व ऐड करना है। तो यहाँ पे जाने बीच में, एंड यहाँ पर भी इस तरह से आपको कर्व ऐड कर लेने, इस तरह से कर्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी जाना है, सेम आपको कर्व ऐड कर लेने, इस तरह से कर्व, ये कर्व को, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, सेम आपको यहाँ पे ग्रुप वन कॉपी फोर में जाना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे करना है प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से, प्लस करना है और स्टार्टिंग में आकर इसको करना है एकदम नीचे कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर है एकदम आपको नीचे कर लेने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर्व ऐड कर लेने कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको सेम लास्ट बचा है इसमें जाना है, इसको करना है यहाँ पे छोटा कुछ इस तरह से, यहाँ पे करना है एक प्लस, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे करना है एक प्लस, स्टार्टिंग में जाना है नीचे से आपको ऊपर करना है, ठीक है, यहाँ पे उसको यहाँ पे आके कर्व ऐड कर लेने, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट तक, यहाँ पे ओके। तो इस तरह से कर लेने पूरा क्लियर। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें जो लिरिक्स एंड फोटो वगैरह है सब कुछ अब चेंज करना है। तो यहाँ पे ग्रुप वन को छोड़ देना है, ग्रुप जो कॉपी किया है उसमें जाना है कुछ इस तरह से, एडिट ग्रुप में जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड अब आपको यहाँ पे फोटो को चेंज करना है, उससे पहले ये जो रेक्टेंगल है इसमें क्लिक कर लेना है रेक्टेंगल को, अब आपको यहाँ पे इधर कर लेना है इस साइड, ठीक है, मतलब यहाँ पे रोटेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना है एंड जो लिरिक्स है लिरिक्स को भी आपको इस साइड कर लेना है अब, ठीक है, कुछ इस तरह से इस साइड लिरिक्स को, एंड फोटो को करना है इस साइड, ठीक है। एंड फोटो को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जाना है, फोटो को चेंज कर सकते हो, ठीक। एंड लिरिक्स को चेंज करना है तो यहाँ पे जाना है, लिरिक्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेम आपको यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे जाने एडिट ग्रुप में जाने कुछ इस तरह से, फोटो को चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है, कुछ अलग फोटो ऐड कर लेने, कुछ अलग फोटो यहाँ पे ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, ठीक। एंड यहाँ पे जाना है लिरिक्स को चेंज करना है, ओके, देख सकते हैं यहाँ पे पाया। तो इस तरह से आप फोटो एंड जो लिरिक्स है उसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम जल्दी से ये चीज को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो एंड लिरिक्स को मैंने चेंज कर लिया हूँ एक एक करके। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है, जाने के बाद देख सकते यार मेरा जो वीडियो यहाँ पे कम्प्लीट बन के रेडी हो चुका है इंट्रो के जैसा। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ चुका है, ठीक है। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बिंदास आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ चुका है। एंड अगर आपको वीडियो में इफेक्ट वगैरह ऐड करना है तो वो आप इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। एंड अब क्या करना, इस वीडियो को करना है सेव। तो वीडियो को सेव करने के लिए एक बार आपको बैक आ जाना है कुछ इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा शेयर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड वीडियो को यहाँ से आप सेव कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो जो है मेरा सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।